सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आपको ट्रिगो फर्स्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड तीन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज आपके लिए हम ट्रिगो सेकंड आइडेंटिटी पे भी तीन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं और तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए भी हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। तो इसी के बेस पे तीन क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप भी पहले अटेम्प्ट करिएगा, फिर ना समझ में आए तो ही इसके सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों जो आपका 2017 में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, मतलब ऐसे तो कई बार आ चुका है बट ये डिजिट डिफरेंट होता रहा है, कभी यहाँ पे कुछ और कभी वेरिएबल ना ऐसा, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम। तो आइए देखें बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। sec थीटा प्लस टेन थीटा फोर दिया है और आपसे टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को कितना आसान बनाया जा सकता है इसको देखिए बच्चों। सेकेंड आइडेंटिटी अगर आपको पता है, अगर बच्चों आपको सेकेंड आइडेंटिटी पता है तो आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है, बिल्कुल वन होता है। चलिए अब आप बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। आप कहेंगे सर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इन वन ब्रैकेट हम sec थीटा माइनस टेन थीटा रख सकते हैं एंड इन अनदर ब्रैकेट sec थीटा प्लस टेन थीटा रख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब पहले ब्रैकेट को आप एज इट इज रहने दीजिए, sec थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितने की वैन है, फोर, तो इसके प्लेस पे फोर रख दीजिए एंड इज इक्वल टू वन। तो बच्चों यहाँ पे आ गया sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर। तो क्वेश्चन में दिया था sec थीटा प्लस टेन थीटा और आप सेकेंड आइडेंटिटी के हेल्प से निकाल लिए sec थीटा माइनस टेन थीटा। कहोगे हाँ सर निकाल तो लिए, अब क्या किया जाए, पूछ तो रहा है टेन थीटा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू फोर और आप क्या फाइंड कर लिए, sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर। अब आपको अगर sec थीटा निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपको tan थीटा निकालना है तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड। याद है ना एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा और यहाँ से 4 माइनस वन बाई फोर। तो यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 4 जा 16 में से 1 गया 15 बाई फोर और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो tan थीटा भाई यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा ना, तो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 बाई 8। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 बाई 8। था ना आसान सेकेंड आइडेंटिटी की हेल्प से। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर टू आपका 2014 में आया हुआ है और सेकेंड आइडेंटिटी की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखा जाए। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें 2 इंटू कोसेक ए लाना है, 2 टाइम्स कोसेक ए फाइंड करना है। तो LHS अगर देखें तो लिखा है टेन ए अपॉन सेक ए माइनस वन और यहां लिखा है टेन ए अपॉन सेक ए प्लस वन। जब भी बच्चों sec a माइनस वन आए या sec a प्लस वन आए तो आप जरूर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका तुरंत सेकेंड आइडेंटिटी बन जाएगा। sec a माइनस वन है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, sec a प्लस वन से। ये इसी क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपको सेकेंड आइडेंटिटी बना के दे देगा। कैसे देगा आइए यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं। sec a प्लस वन को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कंजुगेट से, मतलब प्लस वन है तो माइनस वन से करिए और माइनस वन है तो प्लस वन से करिए। तो यहाँ देखिए प्लस वन है तो हम लोग sec a माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिए, sec
से के माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिए और यहाँ माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर सेकेंड आइडेंटिटी कैसे बनेगा, तो देखो ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस वन, इसको एज इट इज रहने दो। नीचे देखो बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म आ गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec a माइनस वन sec a प्लस वन, तो इसको लिख सकते हो sec a स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो वन ही आएगा भाई, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी का फॉर्म लग गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan a sec a माइनस वन और यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब देखो सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों, यहां पे हम आपके लिए फिर से लिख रहे हैं सेकेंड आइडेंटिटी, ध्यान देना। देखो सेकेंड आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये होता है। अगर वन को इस साइड लेते आओ तो sec स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा और tan स्क्वायर ए को उस साइड भेज दो तो ये tan स्क्वायर ए हो गया। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि sec स्क्वायर a माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a। तो चलो यहां पे sec स्क्वायर a माइनस वन की जगह tan स्क्वायर a लिख देते हैं, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहने दिए और यहां पे लिख दिए tan स्क्वायर a प्लस, सिमिलरली यहां भी डिनोमिनेटर में वही tan स्क्वायर a, सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो tan a से tan a कैंसिल, tan a से tan a कैंसिल, अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बच गया tan a और ऊपर क्या बच गया sec a प्लस वन और sec a माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या आ गया 2 sec a और tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, फिलहाल tan a ही लिख दें, और sec a को लिखोगे 1 बाई cos a, tan a को लिखोगे sin बाई cos a, तो cos cos कटेगा 1 अपॉन sin और 1 अपॉन sin कितना होता है बच्चों cos a के, या तो कई बच्चों को डायरेक्ट याद रहता है sec a बाई tan a क्या होता है cos a, अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी याद है तो sec को 1 बाई cos, tan को sin बाई cos, तो cos cos कट जाएगा sin 1 बाई sin मतलब cos a। ये सेकेंड आइडेंटिटी की हेल्प से किए, बाकी एक काम आप और कर सकते थे कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें ना, इसको साइन बाई कॉस लिखें फिर इसको वन बाई कॉस फिर इसको वन बाई कॉस फिर एलसीएम वगैरह लें फिर वो करें ना, लेकिन हम आपको कहेंगे कि अगर जहां भी sec a माइनस वन या sec a प्लस वन आया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, आइडेंटिटी बन जाएगा, उससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x और y का वैल्यू दिया है और हमको ये प्रूव करना है, क्या दिया है जरा बताओ, x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, कहोगे सर a sec थीटा दिया है, a को इस साइड लेते आओ बच्चों तो x by a की वैल्यू कितनी हो जाएगी sec थीटा, x by a की वैल्यू कितनी हो जाएगी sec थीटा। अच्छा अब बताओ y is equal to क्या दिया हुआ है b tan थीटा, तो b को इस साइड लेते आओ तो y by b कितना हो जाएगा tan थीटा। अब बताओ x by a का वैल्यू तुम्हें मिल गया y by b का वैल्यू मिल गया, अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, कहोगे सर प्रूफ करना है जो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम x square by a square minus y square upon b square, सर ये लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों बताओ x square by a square क्या x by a का होल स्क्वायर होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। ये y by b का होल स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल होता है। अब क्या करें सर, x by a जो आप यहां निकाल रहे हैं sec थीटा यहां पे रख दीजिए, तो x by a की जगह पे sec थीटा रख देंगे, स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर, y by b की जगह tan थीटा यहां पे tan थीटा रख दिए और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है वन। तो ये था आपका तीन क्वेश्चन जो कि सेकंड आइडेंटिटी पे था, नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड आइडेंटिटी से तीन क्वेश्चंस कराएंगे और फिर मिसलेनियस 10 से 12 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, पढ़ते रहिए।